साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे पहल दो ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा तीन के अंतर्गत कार्यपत्रक 29, कार्यपत्रक 30, कार्यपत्रक 31, कार्यपत्रक 32, कार्यपत्रक 33 और आकलन 1। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 29 पेज नंबर 35, दक्षताएँ लुढ़कने व खिसकने वाली वस्तुओं की पहचान कर सके। पहला सवाल है, दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि कौन सी वस्तु लुढ़क सकती है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। लुढ़कने वाली देखिए, इसमें से कौन सी है, ये गेंद, यह पेंसिल, ये वाला टायर, ये लट्टू, ये फुटबॉल, ये बेलन, ये बोतल। अगला सवाल नंबर 2, दिए गए चित्रों को देखकर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बताइए कौन सी वस्तु सरक या खिसक सकती है। तो ये खिसकेगी, इसमें ये पुस्तक खिसकेगी, ये ईंट खिसकेगी, ये वाला खिसकेगा और ये वाला खिसकेगा। ये था कार्यपत्रक 29। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 30 पेज नंबर 36, दक्षताएँ समान आकृति वाली वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकें। पहला सवाल है, दी गई वस्तुओं को उनके आकार के आधार पर अलग अलग डिब्बों में रेखा खींचकर डालिए। देखिए नीचे डिब्बे दे रखे हैं, इन डिब्बों में ईंट जैसी हमें इसमें डालनी है और गेंद जैसी हमें इसमें डालनी है। तो देखिए टमाटर गेंद जैसा, तो ये इसमें डालेंगे। इसी प्रकार से संतरा, ये भी गेंद जैसा, तो इसे भी हम इसमें डालेंगे। आगे गुब्बारा, ये भी गेंद जैसा, इसे भी हम इसमें डालेंगे। इसके बाद में ईट इसमें डाल लगी है, अनार, ये भी गेंद जैसा इसमें डालेंगे। पासा ईंट जैसा इसमें डालेंगे। किताब ईंट जैसी इसमें डालेंगे। चौक का डिब्बा, ये ईंट के जैसा इसमें डालेंगे। तो ये इस प्रकार से हमने गेंद जैसी और ईंट जैसी इन वस्तुओं को अलग अलग डाला। ये था कार्यपत्रक 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्र 31 पेज नंबर 37, दक्षताएँ समान आकृति वाली वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकें। पहला सवाल है, समान आकृति वाली वस्तुओं को एक दूसरे से मिलान कीजिए। जैसे कि बैंगन है, तो बैंगन के जैसा कौन सा है, तो बैंगन का जैसा है गुब्बारा, और ये बैंगन के जैसा बॉल भी है, तो हम इससे मिलान करेंगे। और भी इसके जैसा ये टमाटर हैं, हम इसका मिलान करेंगे। अगला है पासा, पासे के जैसा चौका डिब्बा, और ये गिफ्ट पासे जैसा है। ईंट जैसा ये बक्सा है, और ये आइसक्रीम के कोन जैसा ये टोपी है। तो हमने इनका मिलान किया। तो ये था कार्यपत्रक 31। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 32 दक्षताएँ पेज नंबर है 38, दक्षताएँ लुढ़कने व खिसकने वाली वस्तुओं की पहचान कर सकें। पहला सवाल है, अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर दी गई तालिका को भरिए। जो भी गेंद जैसी चीज़ें हैं वे लुढ़कती हैं, जो भी डिब्बे जैसी वस्तुएं हैं वे खिसकती हैं। तो हमें वस्तुएं जो लुढ़क सकती है यानी गेंद जैसी हो, जैसे कि कंचा, फुटबॉल, संतरा, इसी प्रकार से अनार, तरबूज, इसी प्रकार से अमरूद,
ये सभी गेंद जैसी वस्तुएं हैं, वस्तुएं जो खिसके जा सकती हैं, डिब्बे जैसी हों, जैसे कि चौक का डिब्बा, इसी प्रकार से संदूक, पासा, किताब, ईंट, फ्रिज, ये सभी सरकाई जा सकती हैं। अगला सवाल नंबर दो, बॉक्स में से शब्दों को छांटकर खाली स्थान भरिए। बेलन, कैरम बोर्ड, बांसुरी, कटोरी, पहिया, किताब, सरकने वाली वस्तुएं और लुढ़कने वाली वस्तुएं। बेलन लुढ़कने वाला है, इधर लिखेंगे बेलन। कैरम बोर्ड सरकने वाला है, इधर लिखेंगे कैरम बोर्ड। बांसुरी लुढ़कने वाली है, इधर लिखेंगे बांसुरी। कटोरी कटोरी सरकने वाली है, इधर लिखेंगे कटोरी। पहिया लुढ़कने वाला है, इधर लिखेंगे पहिया। किताब सरकने वाली है, इधर लिखेंगे किताब। तो ये था कार्यपत्रक 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 33 पेज नंबर 39, दक्षताएं समान आकृति वाली वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकें। तीन ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जो डिब्बे जैसी दिखती हैं। तो डिब्बे जैसी कौन कौन सी दिखती हैं, जैसे कि संदूक, ये पासा, संदूक, चौक का डिब्बा, ईंट, तीन ऐसी वस्तुओं के नाम लिखे जो बेलन जैसी दिखती हैं। बेलन के जैसी कौन कौन सी चीज़ें दिखती हैं, बांसुरी, कोठी, पाइप, बोतल भी लिख सकते हैं। अगला है, तीन ऐसी वस्तुओं के नाम लिखे जो टोपी जैसी दिखती हैं। टोपी के जैसी कौन कौन सी दिखती हैं, आइसक्रीम का कोन, इसी प्रकार से शंकु और जोकर की टोपी। अगला है, तीन ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जो गेंद जैसी दिखती हैं। तो गेंद जैसी कंचा और अनार, संतरा। ये था कार्यपत्रक 33। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन एक पेज नंबर 40। पहला सवाल है, दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कौन सी वस्तु लुढ़क सकती है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। लुढ़कने वाली पर सही का निशान लगाना है। देखिए लुढ़कने वाली, इसमें पेंसिल है, गेंद है और ये बेलन है। तो ये लुढ़कने वाली है, इस पर हमने सही का निशान लगाया। अगला सवाल नंबर दो, दी गई समान आकृति की वस्तुओं का मिलान कीजिए। तो इसके जैसा कद्दू के जैसा टमाटर, माचिस के जैसी ईंट, टोपी के जैसा कौन। ये था आकलन एक। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 29 से 33 तक और आकलन एक समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।